आइए अब देखते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके पहले इसको बताते हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे है दिया हुआ है। क्या डीसीएम लिमिटेड इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ विच 10 ईच, यानी कंपनी जो इशू कर रही है नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000 शेयर से एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच का है। ओके अब कंपनी क्या कर रही है, पेबल 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कंपनी जो इशू कर रही है कितने पे 3 ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन कितने का है 3 रुपीज, अलॉटमेंट कितने का है, ये तो था रुपीज 3, ये कितने का है रुपीज 5, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल रुपीज 2। ओके अब कंपनी क्या कह रही है, ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब, यानी कंपनी जितना शेयर इशू करी पूरा सब्सक्राइब हो गया है। ओके ऑल द मनी ड्यूली रिसीव, और कंपनी को पूरा अमाउंट भी रिसीव हो गई। कंपनी कह रही है एक्सपेंसेस इशू ऑफ शेयर अमाउंट रुपीज 5,000, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर कंपनी के हिसाब से एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर रुपीज कितना होता है 5,000, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर पे कंपनी को अमाउंट कितना हुआ 5,000। अब देखते हैं इसकी एंट्रियां कैसे करते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे जानने की जरूरत है, अगर कभी भी यानी इफ नथिंग इज मेंटेन अबाउट द क्लास ऑफ शेयर दे आर ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर, यानी अगर कहीं पे कोई क्लास शेयर नहीं दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, तब भी कंडीशन में कौन सा शेयर का यूज करेंगे, हमेशा इक्विटी शेयर का। ओके अब देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री में क्या हो जाती है, यहाँ पे कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने 10,000 है, तो 10 पीस ईच का है, डिवाइडेड है 3, 5 एंड 2 पे। ओके तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव। ओके नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000, तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन की मनी कितने रुपीज का है 3 का है, तो 10,000 इंटू 3 किया तो कितना आ गया यहां पे 30,000। ओके सेकेंडली जब एप्लीकेशन में रिसीव हुआ तो कहां ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में सॉरी कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके कौन सी अमाउंट जो कंपनी ने रिसीव किया था कितना 10,000 इंटू 3 के हिसाब से वही अमाउंट ट्रांसफर किया तो आया 30,000। ओके बी एप्लीकेशन मनी मनी ट्रांसफर ट्रांसफर टू
equity share capital account. ओके अब कंपनी को तो एप्लीकेशन मिला और उसको ट्रांसफर कर दिया. अब कंपनी नेक्स्ट एंटिटी क्या कौन से करेगी, देखते हैं नेक्स्ट एंटिटी क्या होगा. अब कंपनी एप्लीकेशन तो मिल गया था, अब अलॉटमेंट कितने रुपीस का है, 10 रुपीस का. तो नेक्स्ट एंटिटी क्या हो जाएगा, ड्यू कर रही है. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 10,000 इंटू 5 यानी कितना हो गया यहां पे, 50,000 being allotment money due. जब कंपनी ड्यू किया, जब अलॉटमेंट ड्यू किया तो फिर रिसीव करी, तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सेम अमाउंट जितना ड्यू किया था कंपनी ने, पूरी सब्सक्राइब हुआ था, पूरी अमाउंट रिसीव है, तो सेम अमाउंट 50,000 ओके बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ओके. अब कंपनी ने तो अलॉटमेंट भी रिसीव कर लिया, एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट हो गया. अब कंपनी का कौन सा है, जब लास्ट कॉल है तो जिसके साथ भी लास्ट हो जाता है यानी फर्स्ट कॉल के साथ ही हो रही है, तो क्या हो जाएगा हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ओके. तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब देखिए फाइनल कॉल कितने रुपीस का है, 2 रुपीस का है, तो यहां पे कितने से, 10,000 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 20,000 being first and final call due. जब कंपनी ड्यू किया तो फिर रिसीव करिए, नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपीज का, सेम अमाउंट 20,000 बीइंग फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल मनी रिसीव ओके. अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हुई. अब कंपनी इसमें क्या कह रही है, एक और चीज ने स्टार्ट की कंपनी ने, कि कंपनी जो शेयर इशू की थी उस पर कंपनी को एक्सपेंसेस कितना हुआ था, 5,000 यानी एक्सपेंसेस कितना बता रही है, कितना हुआ था वो 5,000 ओके. अब देखिए जब तो इसके बाद जब नेक्स्ट एंट्री करेगी कंपनी तो क्या होगा, अब कंपनी ने एक्सपेंसेस किया था तो अब क्या हो जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक
share issue expenses account debit to bank. कितने से कितने का expenses क्या था? 5,000. 5,000 being क्या हो जाएगा? Expenses incurred on issue of share. Being expenses paid on issue of share. Incurred on issue of shares. Okay, any doubt? अब इसके बाद एक नए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे नया एट पार में और क्या हो सकती है एक अलग क्वेश्चन के साथ. Okay, thank you.